अगर आपको चाहिए होगी तो मैं ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसकी रिकॉर्डिंग। श्योर सर, अच्छा भाई ये देखें, हमारे पास हमने प्लीज प्रूफ भाई। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास है आर, आर का फार्मूला भी हमने डिस्कस किया है। आर के फार्मूले में तो हमारे पास जस्ट ओनली क्या है, डेल्टा ओवर एस। अब इसको तो हम लेके ये एस राइट हैंड साइड प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि आर है ना वैल्यू हमारे पास। अगर आर वन होता तो डेल्टा ओवर एस माइनस ए हो जाना था, अगर आर टू होता डेल्टा ओवर एस माइनस बी, अगर आर थ्री होता तो डेल्टा ओवर डेल्टा एस माइनस सी। सी अब इसमें बेसिकली हमारे पास है वैल्यूज ये वाली राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है अगर है तो वो हम पुट करेंगे, जिस जिसकी वैल्यू हमारे पास होगी वो पुट कर देंगे हम। साइन अल्फा बाय टू, साइन गैम बीटा बाय टू, साइन गैमा बाय टू, ये जो फार्मूलाज हमने प्रूव किए थे इसके वो फार्मूलाज आ गए हमारे पास, तीनों के तीनों डायरेक्टली हमने फार्मूला पुट कर दिए। अगर अल्फा होता है, आपको बताया था उस दिन भी, अगर अल्फा होता है तो अल्फा का जिक्र नहीं उसमें आना, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी और सी। अगर बीटा है तो बीटा का जिक्र नहीं यूज करना, एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। एस माइनस गैमा के लिए गैमा सी नहीं आना चाहिए, ए और बी, एस माइनस ए सर, एस माइनस बी ओवर ए बी। एक मिनट में देखूं पार्टिसिपेंट्स में कोई इन वेटिंग में तो नहीं है, नहीं सॉरी। ओके अच्छा भाई, इन सब को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये देखें, एस माइनस बी एस माइनस बी क्या बन जाएगा, एस माइनस बी का स्क्वेयर, एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस ए का स्क्वेयर, एस माइनस सी एस माइनस सी इनका स्क्वेयर। ये थर्ड स्टेप में इन्होंने ये किया हुआ है। नीचे भी उसी तरह, अगर इधर बी है इधर भी हमारे पास बी है, मतलब दो बी आ रहे हैं, दो ही ए हैं, दो ही सी हैं, तो उन सब का क्या बन जाएगा हमारे पास, ए का स्क्वेयर बी का स्क्वेयर और सी का सर ये स्क्वेयर। आर की वैल्यू नहीं लिखनी। आर की वैल्यू वो इसलिए लिख रहा, बाद में इसको डायरेक्टली वो पुट कर देगा, आंसर उसके बराबर है ना, इधर से बना लेगा ना आर की वैल्यू बना लेगा। दोनों तरीके हैं ये देखो, एक तो इधर आर की, अगर हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू क्या थी, ये थी ना कैपिटल आर की वैल्यू, ये लिखी हुई है सर, ए बी एबीसी सी ओवर ओवर फोर फोर डेल्टा। डेल्टा। अब ये देखें यस सर, इधर फोर हमारे पास पहले मौजूद है, इसमें बस किसकी कमी है, एस की कमी थी। यस सर, अब तो ये किसके बराबर होता है, सारे का सारा ये बन जाना था डेल्टा स्क्वायर के बराबर बन जाना था। तो इधर से एबीसी उसने ओवर क्या फोर करना डेल्टा। था, अगर यस उसको कन्वर्ट ना भी करता ना, उसको अगर कन्वर्ट ना भी करता तो इधर से यस उसने सर, क्या करना था, फोर आर लिखा रहा, आर लिखा रहने दो। अगर इसको हमने एस से मल्टीप्लाई कर दिया और उसे डिवाइड भी करेंगे फिर, तो यस ये सर, सारे की सारी टर्म किसके बराबर आ जानी थी, डेल्टा स्क्वेयर के बराबर आ जानी थी। और नीचे हमारे पास क्या यस, बन जाना था, एस ओ एबीसी एस ए साथ बी बी साथ सी। सॉरी ठीक है, अब इधर से हमारे पास एस उसने क्या, अब उसने क्या करना था, इनकी वैल्यू उल्ट कर लेनी थी इनकी ना वैल्यू, ये फोर ये डेल्टा एक डेल्टा उसने कंज्यूम करके इसको नीचे ले जाना था, इधर आ जाना था डेल्टा ओवर एस आर। अब ये जो एक फोर डेल्टा है ना वो उसने नीचे ले जाना था, किस तरह उसने लिखना था, वन ओवर ए बी सी, नीचे ए बी सी आ रहा था, ए बी एंड सी डिवाइडेड बाय फोर डेल्टा। ये फोर डेल्टा, ये सारे की सारी वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू बन जानी थी हमारे पास आर की, आर की वैल्यू बन जानी थी, आर की वैल्यू आर से कैंसिल हो जाना था, हमारे पास डेल्टा और ऐसे आ जाना था जो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। एक मेथड तो ये था अगर हम आर को एक्सपेंड नहीं करते, दूसरा मेथड हमारे पास कौन सा है वो हम देखते हैं आगे।
अच्छा भाई ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया, इसमें आर की वैल्यू उसने पुट कर दी। अब आर की वैल्यू पुट करने के बाद उसने देखा कि ए बी सी, ए बी सी से कैंसिल, फोर फोर से कैंसिल, ऊपर टर्न क्या रहेगी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ओवर नीचे डेल्टा रह गया। अब देखें आपको अभी मैंने बताया कि ऊपर डेल्टा स्क्वेयर, लास्ट टाइम हमने फार्मूला जो पढ़ा है उसमें ये होता है हमारे पास डेल्टा, हमारे पास बराबर होता है इन सबका अंडर रूट। अगर इनका स्क्वेयर कर दें तो इनका स्क्वेयर जब करेंगे तो हमारे पास इधर से क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास डेल्टा स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा। ये ऊपर वाला डेल्टा स्क्वेयर बन जाएगा ऊपर वाला, क्यों, क्योंकि हमारे पास फार्मूला ही यही है उसका, हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला। अब ऐसे मल्टीप्लाई भी किया है, ऐसे डिवाइड भी किया है, ऊपर हीरोज फार्मूला बन गया, उसका डेल्टा स्क्वेयर कर लिया हमने, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये डेल्टा स्क्वेयर आ गया। नीचे क्या है, एक डेल्टा और है, डेल्टा डेल्टा से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या रह गया, डेल्टा ओवर एस, डेल्टा ओवर एस हमने क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी थी, वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यहां तक समझ है? यस सर, यस सर। चलो सही हो गया। अब ये देखे ना, जैसे ये लिखा हुआ है इन्होंने, इधर क्या है हमारे पास, इधर ये वाला वैल्यू सारी की सारी आ रही है। अगर इनका बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो इनका क्या खत्म हो जाएगा, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो गई, ये वाली वैल्यू आ गई। इसका मतलब एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी किसके बराबर आ गया, डेल्टा स्क्वायर के बराबर आ गया। एक डेल्टा डेल्टा से कैंसिल हो गया, डेल्टा और एस हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड थी। चलें जी अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट भी करते हैं इसका। अच्छा उसमें था हमारे पास साइन वाला, इसमें था हमारे पास कोज वाला, इन दोनों के फार्मूलाज थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर ए आर है, अल्फा आर है सॉरी, तो एस इंटू एस माइनस ए ओवर, जो नहीं आ रहे वो दोनों बी सी। फिर उसके बाद एस, एस माइनस बी ओवर ए सी। इसी तरह जब गैमा है तो एस, एस माइनस सी ओवर ए बी। तो ये जब हमारे पास क्या बनेगा, एक एस, दो एस, तीन एस, एस क्यूब बन जाएगा। उसने क्या किया है, हमारे पास एस स्क्वायर कर लिया और बाकी उसने देखा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी लिख दिया। वो उसने ये क्यों किया काम, मुजफ्फर बताओ क्यों किया। क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं था होना, शाबाश, ये अच्छा जवाब है। उसने इसलिए किया क्योंकि ये हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है डेल्टा स्क्वायर की, वो अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा ना, फोर आर हमारे पास वैसे का वैसे ही था, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या लिखी जानी थी, डेल्टा स्क्वायर, और नीचे सबका स्क्वायर बनना था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि सारे दो दो टाइम्स आ रहे थे, बी बी इधर बी, फिर ये सी है, फिर ये सी है, इसी तरह ए है, ये हमारे पास ये भी ए है। तो नेक्स्ट उसमें हमारे पास जब ये बन जाना था हमारे पास एल स्क्वायर पहले ही है, और ये बन गया हमारे पास डेल्टा स्क्वायर, ये सभी का स्क्वायर हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। सभी का स्क्वायर जब कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास क्या रह गया, एस ओवर डेल्टा ए बी सी। अब आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आर की वैल्यू पुट कर दें, आर की वैल्यू थी ए बी सी ओवर फोर डेल्टा, ए बी सी से ए बी सी से कैंसिल, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, फोर से ये वाला फोर कैंसिल, ओनली रह गया हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एस, और एस के ही बराबर हमने इसको प्रूव करना था।
क्लियर है अभी? हुजैफा आपने हैंड रेज किया था, क्या पूछने? हेलो, वो किधर चले गए सारे? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, मैं चपली मार रही है, आवाज आ रही है। अच्छा सारे, मैंने कहा चुप हो गए हो, अल्लाह खैर ही करे। वो सर कुछ नहीं हुआ। अच्छा हाफ साहब नहीं आए? नहीं सर, आप साहब नहीं आए अभी तक। सही हो गया सर, आए थे वो तो निकल गए। चलो सही हो गया। अच्छा ऐसे है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसका? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। सर पार्ट नंबर 3 है। होमवर्क में भी होगा ना? होमवर्क क्लास वर्क पार्ट 2 और 3 दोनों है। दोनों हो गए ना, होमवर्क और क्लास वर्क? ठीक है देख लेते हैं, दोनों 3 दोनों है सर। ठीक हो गया, दोनों देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा था ना, तो नेक्स्ट यही आता था, क्वेश्चन 3 का पार्ट 2। वहां 3 भी होगा फिर साथ उसके। अच्छा अभी सर जी, जी सर उज़ैफ़ा इंटरनेट का इशू आ रहा है, वो कह रहे वेटिंग लिस्ट में निकाल दो उसे। ओके ओके, हो गया मेरा, आ गया यार। आ गया है, आ गया, सभी आ गए सर। ठीक है ठीक है सर। ये स्टार्टिंग में ना वीडियो आ रही होती है, आपकी वॉइस म्यूट हो जाती है, इसका क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि आपका नेट स्लो है। नहीं सर, वीडियो भी आ रही होती है, यहाँ पे म्यूट क्या उसको कहते हैं, वॉइस ऑप्शन पे लिखा आ रहा होता है कॉल ऑन इंटरनेट हो। यार उसे क्लिक करो, वहां पे आएगा कि अलो का ऑप्शन आएगा, उसे दबा देना सर। हाँ अलो का ऑप्शन आएगा, वो दबा देना ना उसको। कैसे तो उसकी वजह से फिर आपकी मतलब जो भी डिवाइस होती है ना आपकी, बेसिकली जो भी डिवाइस होती है उसका हर एक का वो अलो मांगता है आपसे कि आप इसका ही, जैसे लैपटॉप में मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ तो लैपटॉप पे पूछता है कि क्या आप लैपटॉप की आवाज मतलब कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको यूज करना चाहते हैं या कोई माइक वगैरह यूज करेंगे इसके साथ। ओके सर, हो गया ना कॉल इंटरनेट पे? ठीक हो यार अली हमजा, तुम ज्यादा एफिशिएंट ना बना करो। बस ठीक हो गया भाई, बस ठीक हो गया। अच्छा भी आप लोगों का आज, बाकी सबको समझ लगी है ना ये दो जो क्वेश्चन किए हैं हमने, क्योंकि पीछे क्लास का टाइम आपका रह गया तकरीबन 4 मिनट, ये सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। यस सर, लग गई है समझ। हाँ तो इसके बाद मतलब वो खत्म हो जाएगा आपका, और इसका क्वेश्चन नंबर 3 का बी और सी जो पार्ट है ना, इसको हम कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इधर से। कल इंशाल्लाह कोशिश हमने ये भी करनी है सर। टाइमिंग का बता दें, टाइमिंग उसमें शेयर हुई है, टाइम टेबल आया हुआ है। जिस ग्रुप में से आपने ये लिंक उठाया है ना, टाइम टेबल है सर ग्रुप में, उसी ग्रुप में टाइम टेबल पड़ा हुआ है। सर ये मैंने रिसेंट पीडीएफ में है। मैथ का जो लेक्चर है, मैथ का लेक्चर स्टार्ट होता है आपका 4 बजे, 4 बजे से लेके 4:40 तक मूव करेगा ये फर्स्ट लेक्चर। बल्कि यार मैं ले लूंगा अली हमजा, यार मुझे वो सेंड कर दें। ठीक है ना, ये फर्स्ट लेक्चर था आपका, एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ हो रहा है उधर बायो वालों का लेक्चर हो रहा है। ओके हाँ, तो इसके बाद आपको तकरीबन 4 से 5 मिनट मिलेंगे कि वो दूसरा जब लिंक आएगा ना आपका, दूसरी क्लास जो भी होगी, दूसरी क्लास आपकी, मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ उसका लिंक अभी आपको, जो मुतलका डिटेल्स हो। 445 पे हाँ, केमिस्ट्री का 445 पे। हाँ हाँ 445 पे होगा ना। ओके
आपका है जी नेक्स्ट, समय बताया तो है सर। जी जी नेक्स्ट एग्जाम 4:45 से स्टार्ट होना है। हाँ हाँ 4:45 से, वो जो 5 मिनट एक्स्ट्रा है ना वो आपको इसलिए देने हैं कि जो ये वाली क्लास जब खत्म होगी तो अगली क्लास जो है आप लोग ज्वाइन कर सकें। और मैथ का लेक्चर आपका, हाँ मैथ का लेक्चर डेली आपका फर्स्ट नंबर पे हुआ करेगा, केमिस्ट्री है फिर इसके बाद फिजिक्स है 5:30 पे। ओके सर। हाँ फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका शुरू होगा इंग्लिश और उर्दू। चिड़ी बोली। ओके सर ठीक है। हाँ चलें ठीक है इंशाल्लाह, बाकी जो है ना लेक्चर वो कल करेंगे। इसके अलावा कोई और डिस्कशन करनी है तो पूछ लो प्रीवियस टॉपिक के हवाले से सर, बल्कि वो आपने कह दिया कि कल समझाएंगे। ओके ओके थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू सर। अगली क्लास ये चैट में कौन है कर दिया सर, थैंक यू यार अब्दुल्ला इमाम। हेलो बात सर, मजा आ रहा है आपको? ये फहद नसीर कौन था? हाफिज साहब वेटिंग में थे। हाफिज हाफिज साहब अब आए हैं क्या? मैं वेटिंग में हूं सर। हाफिज साहब का वेट बहुत किया हमने। हाफिज साहब आप कहां थे? अब तो क्लास ही खत्म होने लगी है, 1 मिनट रह गया पीछे। नहीं नहीं सर ये मैं हूं, ये जिसको आपने मैसेज किया है, आई एम फहद हूं सर। फहद नसीर है ना? अभी सर मुझे याद ही नहीं था, मैं उठा ही अब हूं। ये देखिए ना अब तो क्लास भी खत्म होने वाली है। नहीं सर मैं बता रहा हूं वो मेरे से ज्वाइन नहीं हो रहा, वापस जाके हां हां बाहर जाके सो जा सर। ये जो आपने जिसको अभी आपने रिप्लाई किया इट्स मी हुज़ैफा, वो सर व्हाट्सएप।